नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय महाराज। बीएम कुकिंग में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम बनाएंगे वेजिटेबल सूप, जैन वेजिटेबल सूप। तो उसके लिए हमने कुछ सब्जियां ली हैं, तो सीधा हम बघार करते हैं। आइए गैस चालू करते हैं। तो आइए इसको बघार करते हैं। गैस चालू कर दिया हमने। इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, थोड़ा तेल गर्म होने देंगे। तो हमारा तेल गर्म हो गया है, उसमें सब्जियां से भूनते हैं। अभी इसमें डालेंगे बीन्स, फंसी, फंसी डालेंगे। उसके बाद डालेंगे शिमला मिर्ची, थोड़ा सा हरा मिर्ची काट के लिया था हमने, तीखा है हमारा तो आधा। अभी इसमें डालेंगे लाल शिमला मिर्ची, गोभी काट के रखा था हमने, वो डालेंगे अभी इसमें। थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया, अभी ये बाद में डालेंगे, थोड़ा थोड़ा अभी डाल देंगे। 2 मिनट इसको ढक के पकाएंगे। अभी हमारा खोल के देखते हैं, सब्जी सिक गया है एकदम। अब इसमें डालेंगे पानी, पानी ज्यादा डालना है हमें, तो उसको खोल के डाल देते हैं। अभी पानी डाल दिया है। अभी इसमें डालेंगे काला मरी और डालेंगे नमक अपने स्वाद अनुसार, नमक अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। हमने एक छोटा चम्मच लिया है, 1 मिनट इसको हला देंगे। अभी इसमें डालेंगे रेड चिल्ली, ग्रीन चिल्ली और डालेंगे इसमें सोया सॉस। और इसमें डालेंगे जी अरारोट, हमने घोर के रखा था, थोड़ा उबाल आने देंगे, उसके बाद डालेंगे ये। दो मिनट ढक के पकाएंगे तो जल्दी उबाल आ जाएगा। तभी खोल के देखते हैं इसको, उबाल आ गया हमारा। अभी जो बाकी बचा हुआ धनिया था वो डाल देंगे इसी में। अभी इसमें डालेंगे अरारोट, थोड़ा थोड़ा डालना है आपको। ये भी डाल देंगे। अभी 2 मिनट इसको ढक के पकाएंगे। अभी इसको खोल के देखते हैं, उबाल अच्छे से आ गया और हमारा सूप रेडी है। गैस बंद कर देंगे। आज हमारा वेजिटेबल सूप रेडी है, जैन वेजिटेबल सूप। इसको नीचे ले लेते हैं। और ये हमारा जैन वेजिटेबल सूप रेडी है, तो इसको अभी कटोरी में कर लेंगे चम्मच की सहायता से। और ये हमारा एकदम परफेक्ट बना है जैन वेजिटेबल सूप। और ये हमारा जैन वेजिटेबल सूप रेडी है। तो दोस्तों, हमारे वेजिटेबल सूप की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।